दीजिए। वेलो मैं साहब बोल रहा हूँ, मैम साहब को बुलाओ। साहब, मैम साहब तो अचानक हॉस्पिटल चली गई हैं। कौन से हॉस्पिटल? नगावटी हॉस्पिटल। एनीथिंग सीरियस? नथिंग सर, विथ योर काइंड परमिशन मैं चलता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ जरूर। सर यही है स्वतंत्रता सेनानी सुंदर मूर्ति। आई सी। बैठ सकता हूँ? जीते रहो, जीते रहो। उम्र हो गई है ना। हाँ लेकिन ये लोग? मेरा बेटा, मेरी बेटी का लड़का। अरे वाह। आप इतनी उम्र के बाद भी काफी जवान लगते हैं। मुझे लगता है आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया होगा आपने। क्यों नहीं, लगता है संघर्ष तो मुझे अब करना पड़ेगा। वो कैसे? पेंशन के लिए संघर्ष? मुक्ति के लिए संघर्ष। व्हाट? मुक्ति आंदोलन। गोरों के साथ लड़ लड़ के मिली इस देश की आजादी को लुटेरों के हाथ में सौंपने की गलती को सुधारने के आंदोलन की अर्जी लेके आया हूं।
कहाँ बनी है? है ना सुब्रमणि, रिकॉर्ड में है। 550 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, काले पत्थर का बना, इसमें 15 करोड़ का खर्चा आया, सब कुछ लिखा है। बांध बनने के बाद मंत्री जी ने उद्घाटन भी किया। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है, 15 करोड़ रुपयों को हड़प करने वाला वो आदमी है कौन? एमएलए, इसमें कलेक्टर का भी हाथ है। इन सबों ने मिलकर तुम्हें बुरी तरह फंसाया है। तुम्हारे नाम से जो फंड गांव को मिला था वो सारा का सारा पैसा खा गया। अरे ये क्या कह रहा है, बांध काम खत्म हो गया है और दीवार भी बन गई है, ये कैसे हो सकता है? अरे दीवार बनाई नहीं, बनाने का झूठा हिसाब दिखाया है। बिना एक पत्थर रखे बड़ी दीवार खड़ी कर दी, ऐसा झूठ बोलकर सारा पैसा हड़प कर हमें उल्लू बनाया है। बताओ कितना पैसा? 15 करोड़ का है ना? 15 करोड़ मतलब कितना होता है? हजारों से बहुत ज्यादा होता है। इतना सारा पैसा कैसे हड़प किया होगा? हाय राम, इतना पैसा सरकार ने हमारे लिए दिया और ये उसे भी खा गए। कीड़े पड़े उनको, मर जाए वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीवार बनाने के लिए नींव डाल के गया कोई और, दीवार नहीं बनेगी गांव को छोड़ने की बात करता है दूसरा। अब दीवार बन गई है और 15 करोड़ रुपए हड़प लिया है, ये बात हमारे सामने आती है। ए कलेक्टर, हम लोगों की हाय लगेगी तुझे। ए सुब्रमणि, इस कलेक्टर को कोसना छोड़ो तुम। सच्चा आदमी हारता नहीं है, रोता भी नहीं है। सरकार और अधिकारियों के बीच में ही कहीं कुछ गड़बड़ है, हमको उसी को देखना होगा और ठीक करना होगा। बदला लेना अधर्म है और कानून से लड़ेंगे तो धर्म कहलाएगा, हमें न्याय मिलेगा। अब हमें चलना होगा, मुझे एक जगह पता है, चलो मेरे साथ। हे भगवान, 15 करोड़! साहब, गरीब लोग चोरी करते हैं तो उनकी खाल निकाल ली जाती है, लेकिन ऊंचे औहदे पर बैठे लोग चोरी करें तो क्या उन्हें कानून सजा दे सकता है? क्या, क्यों नहीं हो सकता? अगर ये वेदा जलन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। साहब, इस पेपर के सबूत के बिना पर उसे गिरफ्तार करना है। चिंता मत करो, ये सबूत काफी है। अगर आप सब लोग मेरा साथ दें तो मैं उन सबों को बेनकाब कर दूंगा। क्या क्या करना है बोलिए, पूरे गांव के लोगों को गवाही देने के लिए लाऊं? बोलिए साहब। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे कहने पर गौर कीजिए। अब आपके गांव में बांधी हुई दीवार में छेद हो गया है। दीवार पर छेद? पर हमारे गांव में तो दीवार बनी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही तो, बिना बांधी हुई दीवार के अगर वो पैसे खा सकते हैं, हाँ। तो हम उन्हीं की तरकीब क्यों ना अपनाएं, जो दीवार है ही नहीं उसमें छेद होने का दावा करके। सारे गांव वाले मिलकर दस्तखत कीजिए, क्यों? बाप रे।
देखकर तुमने मामले को बड़ा कर दिया है। हमसे कुछ कहा होता तो एक टुकड़ा तुम्हारे लिए भी फेंक देते। अगर मैं उनकी तरफदारी कर रहा होता तो आपकी चौखट को चाटने थोड़ी आता। तो क्या मदद करने वाले हो तुम? मदद करने के लिए ही तो आया हूँ। तो बोलो ना। कलेक्टर साहब, आपने बांध बांधे बिना ही उसके पेपर भी तैयार करवा लिए और छोटे बड़े अफसरों को घूस खिलाकर रिकॉर्ड भी रेडी कर लिए, लेकिन जिन अत्तिपट्टी वासियों को बांध बनने की उम्मीद थी वो अभी तक चुप बैठे थे। लेकिन अब तो अत्तिपट्टी गांव के करीब 800 लोग बांध में छेद होने की शिकायत कर रहे हैं और उस छेद को बंद करने की गुजारिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अत्तिपट्टी में एमएलए वेत्ती सेलरम ने वादे के मुताबिक बांध बांध दिए हैं और ये 100% सच है, एकदम सच। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर कह रहा है। सो आपके बांधे हुए बांध का गवाह ये पेपर ही है। अब अगर भगवान भी आकर धमकाए तो हमें कोई खतरा नहीं है। कंप्लेन कहीं और करते तो खतरा होता भी, इसीलिए तुम्हारे आदमी के पुलिस स्टेशन में भेजा है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा इंस्पेक्टर तुम्हारा वफादार और ईमानदार कुत्ता है और वो तुम्हें बताने जरूर आएगा। भैया तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया वुक्रिया बाद में करना, आप लोगों को पहले एक काम करना होगा। वो क्या? उन लोगों के साथ मुस्कुराते हुए सबूत के लिए एक फोटो खिंचवाना होगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, आप चाहे तो मैं आपके साथ चलता हूँ। अप्पा, वो आए हैं। अरे क्लर्क, नमस्ते क्लर्क साहब, क्या हुआ अब क्यों आए हैं? वो इंस्पेक्टर और वकील दोनों जाकर उनसे मिल गए हैं। क्या बोल रहे हैं साहब आप, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। सुब्रमण्य, अब और कोई धोखा मत खाना, मैं अगर यहाँ रुका तो मुझे खतरा है, मैं चलता हूँ। चलता हूँ बाबा। ठीक है। कानून कानून कहा था ना आपने, देखा आपके कानून ने क्या किया? शांत रहने वाले अत्तिपट्टी के लोगों की कमर की धोती तक उतारने के लिए खाकी वर्दी वाले, सफेद वर्दी वाले, काले कोट वाले, ऐसे देश के पूरे लोगों को खड़ा कर दिया हमारे सामने। अरे अत्तिपट्टी वालों के लिए जान बड़ी चीज नहीं है, सम्मान गया तो सब कुछ गया। अरे छोटे, अब हथियार उठा लो, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ए, चल जल्दी। बात सुनो। अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रही है सुब्रमणि, छोड़ दो। अरे वो चारों लोग एक साथ मिल गए हैं। सच में? मार डालो उन्हें, तलवार में धार तो लगा के रखी है, उठाओ इसे और किसी को मत छोड़ना, मार डालो सबको, जाओ जाओ। ये चेवीली इतना चिल्लाती क्यों है? बात बात में चाकू उठा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुब्रमणि, चार लोगों की अच्छाई के लिए तो अगर चाकू उठाएगा तो तुम्हारी बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी बातों का क्या मतलब होगा? हाँ बाबा, इस अत्तिपट्टी में रहने वाले 800 लोगों को हमारी सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए थे, उसे चोरी से हड़प करने का उन्हें कोई हक नहीं, नहीं, नहीं।
माफी नहीं मिलेगी उन लोगों को, बिल्कुल नहीं। माफ कर दीजिए साहब, हमने गलती की। हाँ हाँ, तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए उनको तकलीफ दे दी हमने। अरे साहब जी, हमको माफी दिला दो ना फादर। ए यीशु, हमें और हमारे गांव को संभाल लेना, हमारी रक्षा करना प्रभु। नहीं छोड़ूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक पुलिस वाले की मछली पकड़ने वालों ने बेइज्जती कर दी। जमीन के कागज और राशन कार्ड दोनों लौटाने वाले हैं क्या? लौटाने दो। हाँ, बंद करो अपनी बकवास। उन लोगों का कहना सच है, उन लोगों ने अगर जमीन के कागजात और राशन कार्ड रिटर्न कर दिए तो सरकार के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे क्या बक रहे हो, अगर इस देश का कोई भी नागरिक अपने साथ सारे लोगों को मिला ले और बगावत पर उतर जाए ये कहकर जमीन के कागजात और राशन कार्ड रिटर्न कर दे कि हम जी नहीं सकते, जो आज हमारे साथ ये चुपचाप बैठे हैं ना कलेक्टर, तो इन्हें स्टेप लेना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर। अगर नहीं लिया तो इस इलाके के एमएलए यानी तुम्हें फौरन एक्शन लेना होगा। अगर तुम दोनों ने भी कुछ नहीं किया तो फिर गवर्नर के पास सरकार को डिसॉल्व करने का कानूनी अधिकार है। गलती करने वालों को ये देवदूत माफी दिलाते ऐसा सुना है, हमने जो गलती की हमें भी इनसे माफी दिलवा दो फादर। नहीं सुब्रमणि, तुमने कोई गलती नहीं की। एक जान की कीमत क्या होती है ये दिखाने के लिए तुमने उन्हें जो तकलीफ पहुंचाई उसे गलत नहीं माना जा सकता, लेकिन एक रोजमर्रा की जिंदगी की जंग लड़ने वाले, हमारे गांव के हक की चोरी करने वाले गलत हैं। तुमने जो फैसला किया है वो सही है सुब्रमणि, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा। कल जब सूरज निकलेगा तो अत्तिपट्टी में एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अत्तिपट्टी का नामो निशान रिकॉर्ड में नहीं मिलना चाहिए। अत्तिपट्टी को मिटा दो, 600 से अधिक लोगों को डुबो दो, 600 चेन और 600 पत्थर मछली पकड़ने वाले समंदर में डूब जाने का केस मैं रिकॉर्ड करता हूँ। है सुब्रमणि, तू कानून की बात करता है ना, जा रहे तू जा। उसी कानून से मैं अत्तिपट्टी का काला इतिहास लिख दूंगा। इसे कोई नहीं बदल सकता सुब्रमणि, क्योंकि तुमने धर्म को साथ में रखकर उसके लिए जंग लड़ी है, उसे कुछ नहीं होगा। कल 25 दिसंबर है, क्राइस्ट का जन्मदिन है, आपके गांव के लिए अच्छा होगा। गए हुए पापी फिर लौटेंगे, अपने धर्म का शंख बजाओ, चारों दिशाओं में गूंजने दो।
के बड़ा रूप आसमां से टकरा के